क्योंकि हजारों साल से जिन मनुवादी लोगों ने हमें बांट कर रखा है उनको लंबे समय तक हम स्वीकार करके ना रखे। जो सामाजिक एकता के साथ मजबूत नहीं होते, जो सामाजिक क्रांति के साथ मजबूत नहीं होते, उनकी राजनीति भी मजबूत नहीं हो सकती। हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमने एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। अगर कोई शूल कास्ट को प्रताड़ित करने का काम करता है तो पिछड़े समाज के भाई को उसके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके एकता आने की बात होगी। समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जातिविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत के अंदर में हम तमाम दलित पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारतीय ही भारत से बाहर दुनिया में हम लोग निवास करते हैं, हमारे काम करने की कमियों के कारण से हम विभाजित हैं। क्योंकि हजारों साल से जिन मनुवादी लोगों ने हमें बांट कर रखा है उनको लंबे समय तक हम स्वीकार करके ना रखे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण से उनके संघर्ष और उनके विचारों को पढ़ करके जैसे शूल कास्ट के लोग महाराष्ट्र में तैयार हुए सबसे पहले, भारत के दूसरे कोनों में तैयार हुए सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार तमाम भारत के अंदर में पिछड़ा समाज भी पटेल साहब के रूप में और तमाम सम्मानित जो तैयार हो रहे हैं, हम करोड़ों करोड़ों लोग मिलकर के एक मुट्ठी बनकर के एक ताकत बनकर के। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, जो सामाजिक एकता के साथ मजबूत नहीं होते, जो सामाजिक क्रांति के साथ मजबूत नहीं होते, उनकी राजनीति भी मजबूत नहीं हो सकती। जो समाज में बिखरे हुए होते हैं वो राजनीति में भी बिखरे मिलेंगे। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम जिम्मेदार साथी बैठे निश्चित करें और वो कार्यक्रम प्राण के साथ तैयार करें। इसमें बहुत बड़ी गलती ये हुई कि बाबा साहब का 6 दिसंबर का कार्यक्रम हर गली मोहल्ले पूरे भारत जिलों में हर संस्था मनाती है और उसी डेट में ये जो कार्यक्रम रख दिया, बहुत सारे लोग नहीं आ सके क्योंकि पूरे भारत में अपने अपने कार्यक्रम मना रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है, बहन जी यहाँ बैठी हुई है, हमारी जो पूर्व में सांसद रही है ज्योति फूले जी, उनके साथ हम लखनऊ में थे, लाखों की संख्या में लोग थे, हजारों जवान समता सेंटर के भीमराव अंबेडकर जी और मैं स्वयं वहां पर थे। मैं आपको एक वचन देता हूं, चंद्रशेखर जी साथ हैं, नौजवान साथी हैं, सम्मानित साथियों, हम अपने जिले में मोहल्लों में पूरे प्रदेशों में जा करके जो प्लान तैयार करें कम से कम 3 महीने तक तैयारी करें, उसके बाद ये घोषणा फिर दोबारा से बैठे। चूंकि अम्बेडकर भवन पूरे भारत का हेड ऑफिस है, बाबा साहब ने बनाया है, आपका अपना स्थान है, वहाँ आइए प्लान करिए। तमाम संगठन चाहे वो राजनीति के है, सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, हमारी लड़ाई एक है, क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रताड़ित है, आर्थिक क्षेत्र में पूरे तरीके से कंगाल है और कारण है जातिवाद। इस जातिवाद को मिटाना है, हमने एक होना है, हमने रिश्ते नाते में शादी ब्याहों में परिवारों में मोहल्लों में जो जात के नाम पर हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमने एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। अगर कोई शूल कास्ट को प्रताड़ित करने का काम करता है तो पिछड़े समाज के भाई को उसके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके एकता आने की बात होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे पिछड़े समाज का नौजवान आगे बढ़ता है तो शूल कास्ट का नौजवान खड़ा हो जाना चाहिए साथ, और साथ ही साथ हमारे समाज की बहन बेटियां महिलाओं को हम घर घर से निकाल के लाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमः बुद्धाय।